is about. Our public property meant for a trust is converted into a private property of a family. For which the members of the family are today out on bail. Why was the gentleman in custody today of our investigating agencies sending emails in 2008-2009 when the Augusta Westland deal was being negotiated and referring to Mrs. Gandhi, our Italian lady, son of Italian lady, the son will speak to the mother. Why was it happening? The reason is that they did not understand national security. They only understand paisa, to use his own word. If there was one case, I may have given that family the benefit of doubt. But if in Bofors the finger points to you, if in National Herald the finger points to you, if in Augusta the finger points to you, then three is a bit too much. Madam, do we remember when it is three times? Madam, when it is three times, I am sure Sri Rahul Gandhi in his earlier days was seeing the James Bond films. James Bond had said, if it is once, it's a happenstance, it can happen. If it is twice, it is a coincidence. And if it is thrice, it's a conspiracy, and the conspirators of various defense deals today have the audacity to raise an allegation against others. Adhyaksh Mahodaya, ye Rafael ka mamla kya hai? Rafael ka jahaj किस लिए इस देश को चाहिए था? राफेल किस लिए चाहिए था इस देश को? आपको याद होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ, तो कारगिल के युद्ध के दौरान हमारी सेना केवल 155 mm बंदूक का इस्तेमाल करती थी पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए दुश्मन को। अगर उस वक्त हमारे पास राफेल जैसा मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता, तो 100-150-200 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल उनको वहां से उड़ा सकते थे। और यही कारण था कि देश की फौज ने 2001 में कहा हमें चाहिए, और 2001 में सरकार ने इसको मंजूरी दी। 2003 में ये कहा कि ये बहुत आवश्यक है। यूपीए सरकार ने भी आते ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी कि देश की रक्षा के लिए ये आवश्यक। गलत बातें अपनी सीट पे गई है, प्लीज होल्ड योर सीट। जब यूपीए सरकार ने ये अनुमति दे दी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को, तो उसके बाद सन 2007 में इसके लिए टेंडर बुलाए गए। सरकार दो तरीकों से डिफेंस एक्विजिशंस करती है, या टेंडर के मामले से करती है, या इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के माध्यम से करती है, सरकार के बीच में समझौता होता है। 2007 में जब यह निर्णय हो गया, तो 6 लोगों ने बिड दी,
दो लोगों की बिड टेक्निकली सूटेबल फाइट की गई, डसॉल्ट की जो रफाल बनाते हैं और यूरो फाइटर की, ये सब इनके कार्यकाल में हो रहा था। उसके बाद उनकी प्राइज बिड दोनों की खोली गई। प्राइज बिड खोलने के बाद सबसे L1 जो था वो रफाल को पाया गया, और जितनी भी सरकार की कमेटियां थी, एयरफोर्स थी, सब ने ये कह दिया कि हमें ये रफाल की बंदूक चाहिए, ये जहाज चाहिए जिसपे वेपन लगे हुए हैं। और ये रफाल की एयरक्राफ्ट जो हमें चाहिए, ये 2012 में ये इनकी सरकार के जो रक्षा मंत्री थे उनकी मेज पर गया।